हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब सब बहुत खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज बहुत टाइम के बाद मैं जा रहा हूं अपना व्लॉग बनाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने व्लॉग्स बनाता ही रहता हूं, तो आज हम जा रहे हैं बड़ी स्पेशल जगह पर, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो आइए चलते हैं, जाके जगह को चेकआउट करते हैं कौन सी जगह पर आज हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं एक्सपो सेंटर में और ये पैप्स वाले की एक एग्जीबिशन लगी हुई है जो कि पाकिस्तान कार ऑटो शो है। और यहाँ पे बेसिकली मेरे आने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि चाहे कोई भी गाड़ी हो, निसान की हो, टोयोटा की हो, सुजुकी की हो, उनके मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि गाड़ियों की क्या कहते हैं पार्ट्स को बिल्डअप करते, तो उनकी एक नुमाइश होती है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर मेरे आना ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि जो लोग क्या कहते हैं अपना इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे, चाहते हैं कि हम लोग आए आकर के अपनी चीज़ों के बारे में सीखें और गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहे मार्केट के अंदर, तो उनके लिए बड़ी ही ज़रूरी जगह है ये। उनको आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं जाकर के अंदर के जो मनाजर हैं वो ज़रा कुछ हम लोग देखते हैं किस तरीके से होते हैं। मैंने यहाँ पे अपना पास वगैरह जो है वो ले लिया है। आपको पता होगा कि ये ऑनलाइन पास आप ईज़िली ले सकते हैं, ई टिकट जिसको कहते हैं हम लोग। मैंने क्योंकि प्रिंट करा लिया था तो बस मेरे पास ये रखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये कहते हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि तरह तरह के गाड़ियों के पार्ट्स बनाती हैं और उन सब के यहाँ पे अपने जो है स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं एक्सपो सेंटर के अंदर और यहाँ पे जाके हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं पाकिस्तान ऑटो शो में क्या इस बार नया दिखाया जा रहा है। अच्छा भाइयों, तो सीन ये है कि गाड़ी हमने कर ली अपनी पार्क, अब हम जा रहे हैं पैदल अंदर जाने के लिए। और यहाँ तो सुना ही है कि कोई गीगा के नाम से, अभी गीगा के नाम से कोई गाड़ी आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और आपको बताता चलूँ कि वो 250 किलोमीटर चल रही है एक चार्ज पे। तो वो कौन सी गाड़ी है, आइए चलते हैं देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पैप्स पे, 2023 है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। आइए चलते हैं, जरा हमें चल के देखते हैं यहाँ पे सीन्स हैं कैसे। तो ये है इसका एंट्रेंस गेट, अभी मैं यहाँ पे अपना पास दिखाऊंगा, फिर मैं आपको अंदर जाकर के मजीद और सीन्स दिखाता हूँ। तो ये अब हम अंदर आ गए हैं पैप्स 2023 के। ये इसका बहुत अच्छा से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एम्बियंस बनाई हुई है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अभी ये हॉल को कनेक्ट करते हुए हम अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे होंडा वालों ने अपना बाइक का एक पूरा सेटअप लगाया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने अपनी डिफरेंट वैराइटीज़ दिखाई हुई हैं और बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे 70 मौजूद है, 125 मौजूद है और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स भी यहाँ पे हम सबके सब मौजूद हैं। और मज़ीद अगर हम देखें तो सामने हमारे जो है वो HRV यानी कि होंडा की गाड़ी रखी हुई है। बहुत आउटस्टैंडिंग इसकी कंडीशन है, ज़रा आप देखें तो इसका शेप कैसा ज़बरदस्त किस्म का है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका एक रिव्यू थोड़ा सा करके दिखा दूं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसकी पूरी अच्छी सी वीडियो बना सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ उसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ। तो ये हमारे पास होंडा की HRV और उसको क्रॉस ओवर SUV कहते हैं। नियॉन पीछे टेल लाइट्स हैं इसकी, बहुत ज़बरदस्त की ग्राउंड क्लियरेंस है आप देख सकते हैं। और गाड़ी का कलर भी बड़ा ही शानदार है, टू टोन के अंदर है, ऊपर ब्लैक मैट है और नीचे जो है आपका इसका शाइनी ग्लॉसी कलर आ रहा है। ट्रिम्स वगैरह भी आपके सामने हैं, हेडलाइट्स बहुत एग्रेसिव हैं, HRV कहते हैं इसको। और अभी मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड व्यू कराने के बाद मैं आपको इसका अंदर का इंटीरियर भी दिखाता हूँ ज़रा। ये इसका इंटीरियर है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिज़ाइन करा हुआ है होंडा ने। और नई जिसे कहते हैं 2023 या 2024 की जो स्टाइलिंग होती है वो इसमें दी हुई है। बैजिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से AC विंड्स दिए हुए हैं, क्लस्टर मीटर कैसा ज़बरदस्त दिया हुआ है, स्टीरियो जितने भी आपके ऑप्शन होते हैं वो सारे मौजूद हैं। और ये क्रॉस ओवर है इसका, आप ज़रा रूम स्पेस ज़रा चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस होंडा ने रिड्यूस कर दी है, पहले 83 लाख थी, अभी ये 8 मिलियन की हो गई है। और जो साहब चाहें वो उसको बुक करवा सकते हैं, होंडा जो है वो अवेलेबिलिटी बिल्कुल अपनी दिखा रहा है। इसका डोर वगैरह, ये इसका इंटीरियर है, बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही आउट क्लास।
इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए मैट में, बीजी मैट्स स्पोर्ट्स के इन्होंने क्या कहते हैं टायर वगैरह दिए हैं, और ये आपके 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। इसमें जो इसकी इंजन की कैपेसिटी है वो 1.5 है, और इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो 145 के आसपास का इसका टॉर्क प्रोड्यूस होता है। गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, मतलब अगर आप चाहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी भी और स्पोर्टी लुक भी, तो ये होंडा पियावी बड़ी आपको सूट करेगी। तो भाइयों आप लोगों को मजा आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग सबके साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। खैर क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ वो इलेक्ट्रिक कार, जिसका बड़ा जिक्र मैंने भी कहा था गेट के ऊपर के कोई जीगी के नाम से है, जो कि 250 किलोमीटर चल रही है, तो उसको देखने के वो है किधर, उसका छोटा सा वीडियो तो बनाना बनता है। जी तो बिल्कुल, आप लोग मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं जिस चीज़ के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, यहाँ पे दो व्हीकल्स मौजूद हैं ईवी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये छोटी भी है और इनके पास एक बड़ी गाड़ी भी है, तो आइए चल के देखते हैं। भाइयों अब दौर आ गया है ईवी व्हीकल्स का, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी सी एक कमर्शियल वैन मौजूद है जिसको हम ईवी के तौर पे कह रहे हैं, और ये ईवी है एंड इसमें कोई इंजन नहीं है। तो आइए चलते हैं जरा इसका डिटेल रिव्यू लेते हैं, और यहाँ पे हमारे भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर बिन आमिर है। समीर आपका नाम है। सर मुझे जरा ये बताएं कि ये मॉडल कौन सा है और इसमें इंजन है? ये बिल्कुल भी इंजन नहीं है, दिस इज प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, ये 11 सीटर कमर्शियल व्हीकल है। सही है, द नेम ऑफ द मॉडल इज 250। जबरदस्त जी। अच्छा ये बताएं, ये 11 सीटर है तो उसमें यानी कि 11 ही लोग बैठेंगे या इसमें और भी बैठ सकते हैं? इसकी सीटिंग कैपेसिटी 11 है इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर के साथ 11 सीटर बैठ सकते हैं। आइए जरा मुझे जरा इसके अंदर से रिव्यू दें। जी जी जी। ये है माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका डिजाइन वगैरह हुआ हुआ है, डैशबोर्ड और सीटें भी थे। जी आप कहना चाह रहे हैं ये 11? जी 11 सीटें। अच्छा ये ड्यूल एसी भी होगी? जी ड्यूल एसी है, ड्यूल एसी है, ड्यूल हीटिंग बोर्ड। अच्छा ड्यूल एसी ड्यूल हीटिंग। जी अच्छा, मैंने आप लोगों के बारे में एक चीज और भी सुनी थी कि आप लोगों ने कोई एक लोगों के लिए एक व्हीकल डिजाइन करी है जो कि जीके के नाम से। जी दस जी 220 दस टू बिल्कुल इसके साथ खड़ी है, आपको देखना चाहिए तो वहाँ पे। हाँ जरा मुझे वो भी करिए प्लीज। भाइयों तो ये वो गाड़ी है जो कि 220 किलोमीटर तक चलती है, और इसके बारे में आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि ये बड़ी अच्छी डिजाइन करी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है डीकी ईवी। तो आइए जरा इनके बारे में जरा पूछते हैं कि ये जनाब मुझे ये बताएंगे ये कितने चार्ज के कितने किलोमीटर चलेगी? जी ये 17 किलोवाट आवर की बैटरी है। ठीक है, और 4 आवर्स इसका चार्जिंग टाइम है। चार्जिंग सिर्फ घर में ही ऑफिस में हो सकती है, फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल नहीं होगी। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो 220 किलोमीटर है, यानी 220 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलेगी एसी के ऊपर। एसी के ऊपर 210 किलोमीटर। और एक एवरेज हम स्पीड इस पे क्या रख सकते हैं? आप 60 से 70 के दरमियान जो स्पीड रखेंगे एसी के साथ। जी जी, तो आपको 210 से 220 किलोमीटर के दरमियान रहेंगे। अच्छा इसका डिजाइन जो है ये फ्रंट प्रोजेक्शन के साथ? जी फ्रंट लाइट्स की प्रोजेक्शन है। जी हैलोजन है। हैलोजन है और कैबिन लाइट्स भी है। ठीक है, और इसमें रिम्स भी लगे हैं? जी रिम्स भी है। और रिम्स का साइज क्या होगा? दिस इज 6 मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ये 12 इंच है। जी 13 इंच है। जबरदस्त, और साइड ग्लास में देखा वेंटिलेटर भी है, लाइट्स भी हैं, डीआरएल भी है। ये बताइए है तो टू डोर, तो ये इसमें चार लोग बैठ सकते हैं क्या? जी ये टू डोर 4 सीटर व्हीकल है। अच्छा 4 सीटर व्हीकल है, जिसका आप कूपे में या बाकी गाड़ियों में देखते हैं क्या? जी जी, बट द थिंग इज कि इसमें आपको लेग स्पेस बाकी टू डोर से ज्यादा मिलती है। जरा मैं दिखाएं, जरा पीछे का दिखाएं। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि दोनों पैसेंजर्स के लिए इजी टू सीट है। जी देन द फीचर है कि इसमें क्रूज कंट्रोल है, लिमिट कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है। और स्क्रीन भी कितने इंचेस की होगी? स्क्रीन स्पोर्ट्स मोड है, जबरदस्त। अगर आपको टॉप ज्यादा चाहिए चेक करें, बहुत ही पीछे से क्लासी बनाई हुई है, बहुत ज्यादा क्लासी बनाई हुई है, बड़ी एग्रेसिव लुक के साथ है। लगता नहीं है कि ये कोई आउट शेप या कुछ है। बूट तो आपका, अगर क्योंकि ये गाड़ी डिजाइन है इंटरसिटी यूनिवर्सिटीज ऑफिसर्स के लिए, तो आपके पास एक हैंडसम बूट के साथ आप लैपटॉप बैग या बच्चों के फिर एक्सेसरीज आप उसमें आराम से डाल सकते हैं। फिर देन देयर इज अ पंचर किट। सही, और फिर उसके बाद एक आपका हेजिटेशन के लिए वो है। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक चार्ज के ऊपर तकरीबन 220 किलोमीटर आराम से चलेगी? यस दैट्स राइट, दैट्स राइट।
और ये आप लोगों की तरफ से टेस्टेड भी जी जिसे हम रेंज ही वो बताते हैं कि एक्चुअल टेस्टेड हो। और एक बात जरा लास्टली इसी तरह प्राइस मुझे कोट करके प्राइस क्या हो जाएगी इसकी करंट प्राइस जो है वो 36,50,000 है 4.65 मिलियन है। और इसमें कितने कलर्स अवेलेबल है? देयर फोर कलर्स राइट नाउ जिसमें ब्लू है व्हाइट है एक पिंक है जो हमारी टेस्ट ड्राइव में बाहर है और एक ग्रीन है। जबरदस्त। अगर मुमकिन हुआ तो मैं फिर इसकी टेस्ट ड्राइव भी लूंगा वो मैं आपको अपने रिव्यू में बता दूंगा इसकी टेस्ट ड्राइव है कैसी। थैंक यू सो मच। हाँ गाइस तो आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये वाले व्लॉग्स को देख करके कि कितनी सारी चीजें यहाँ पे वेलकम हो रही हैं क्योंकि देखें जमाना चेंज हो रहा है। अब डीजल खत्म पेट्रोल वाली गाड़ियाँ खत्म हो गई हैं 660 cc गाड़ियों का दौर चला गया। अब जो दौर आ गया है वो सारे ईवी व्हीकल्स का दौर आ गया। तो यही वो बात है कि ईवी व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है लेकर आया जा रहा है ये जरा देखें तो सही कितनी जबरदस्त एक्सप्रेस के साथ है। मतलब मैं नहीं समझता कि आज तक इससे पहले किसी ने कोई गाड़ी ऐसी बाहर निकाली होगी जो कि क्रूज कंट्रोल के साथ हो और क्या कहते हैं उसमें तो सारे ऑप्शन मौजूद हों अलायरेंस भी हो DRL भी हो प्रोडक्शन भी हो अभी आपने देखे इसमें इंडिकेटर्स वगैरह यानी फुल आउट क्लास किस्म की गाड़ी है ये। इसका इंशाल्लाह मैं रिव्यू करूंगा चला करके भी देखूंगा मैं। तो भाइयों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाजमी आप इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से मिल सकें। तो अपने भाई को दिया इजाज़त इंशाल्लाह से मुलाकात करते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।